हेलो एवरीवन, तो हम IBPS की क्लास में मेट्रोलॉजी देख रहे थे। चलिए मेट्रोलॉजी में आगे बढ़ते हैं। ये क्लाइमेट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन पार्ट टू। ठीक, हमने आज देखा था एयर टेम्परेचर देखना है हमें। थोड़ा हम फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने। एयर टेम्परेचर को देखिए, जो देखिए हीट ट्रांसफ़र के तीन मैकेनिज्म हैं। हीट ट्रांसफ़र, सन से हीट आया उसके ट्रांसफ़र के मैकेनिज्म हम देखते हैं। हीट ट्रांसफ़र के तीन मैकेनिज्म हैं। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन एंड तीसरा है रेडिएशन। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कन्वेक्शन। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कन्वेक्शन इज चीफ और मेन मेथड ऑफ एटमोसफेयर हीट ट्रांसफ़र। ठीक, क्या है कन्वेक्शन। इसके बाद आगे देखते हैं आइसोथर्म क्या होता है। आइसोथर्म मतलब एक इमेजिनरी ऐसी लाइन जो कि सेम टेम्परेचर को इंडिकेट करे, हर पॉइंट के इक्वल टेम्परेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, आइसोथर्मल लाइन। इसके बाद देखिए मेजरमेंट की बात करते हैं। एयर टेम्परेचर को मेजर किससे करते हैं, देखिए टेम्परेचर का मेजरमेंट किससे करते हैं, थर्मोमीटर से करते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर से बॉडी टेम्परेचर। और ये थ्योरेटिकली थर्मोमीटर किस पे बेस्ड है, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ थर्मोमीटर की बात करें तो ये क्या है, जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। स्टीवेंसन स्क्रीन जो होता है ये एयर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, स्टीवेंसन स्क्रीन का यूज किया जाता है। ये क्या होता है, इसमें चार थर्मोमीटर लगे होते हैं। स्टीवेंसन स्क्रीन की बात करें तो ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। इसमें चार थर्मोमीटर लगे होते हैं, दो हॉरिजेंटली एंड दो वर्टिकली। ओके, तो हॉरिजेंटली कौन कौन सा लगा है, हॉरिजेंटली लगा है मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर, ये है हॉरिजेंटली प्लेस्ड, हॉरिजेंटली ऐसे। एंड ड्राई एंड वेट थर्मोमीटर ये वर्टिकली प्लेस्ड, मतलब ये और ये हुआ। अब आगे देखिए, इसको प्लेस किया जाता है स्टीवेंसन स्क्रीन को 1.22 मीटर हाइट पे प्लेस किया जाता है। मैक्सिमम थर्मोमीटर में मरकरी होता है, मरकरी इसके ग्लास के अंदर मरकरी प्लेस किया जाता है। और मिनिमम थर्मोमीटर में स्प्रिट पाया जाता है। ठीक है, मिनिमम थर्मोमीटर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ड्राई थर्मोमीटर ये ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वेट थर्मोमीटर भी ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी को मेजर के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें मसलिन क्लॉथ का यूज किया जाता है जो कि इसे वेट रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हमें जल्दी पढ़ना है आगे, क्योंकि वीडियो हमें एक घंटा ज़्यादा हम बना नहीं सकते और एक घंटा में सारा चीज़ कवर करना है। चलिए, मसलिन क्लॉथ का यूज़ हो रहा है। ओके, अब देखिए अगर यूनिट्स की बात करें, देखिए टेम्परेचर के यूनिट्स क्या हैं, सेल्सियस फारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक, तो सेल्सियस जो है ये ग्लोबली ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किया जाता है, सेल्सियस। फारेनहाइट USA में यूज किया जाता है और केल्विन जो है ये ISI यूनिट है। ओके, कन्वर्जन की बात करें तो 0 केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और केल्विन बराबर सेल्सियस +273, इसके बाद सेंटीग्रेड बराबर 5/9 5F-32, ये होता है सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में और केल्विन और सेल्सियस में कन्वर्जन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स देखिए, सम पॉइंट्स लिखिएगा।
एब्सोल्यूट जीरो किसे कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेकिन अभी समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। जीरो केल्विन और -273.1 डिग्री सेंटीग्रेड और 495 फारेनहाइट को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहा जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री फारेनहाइट और 273 केल्विन को 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 212 डिग्री फारेनहाइट और 373 डिग्री केल्विन। ये आप याद कर लीजिएगा, एब्सोल्यूट जीरो, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ तो ये है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो में शो करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले। आप जरूरी नहीं कि मैं हर बार आपके तरफ देखूं, लेकिन आप ये पढ़ते रहिएगा। ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलिए, फ्रीजिंग पॉइंट के बाद याद करते हैं कि देखिए ग्रोथ के लिए, कॉमर्शियल क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए अगर टेम्परेचर की बात करें तो 5 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ट है, 5 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ट है। कार्डिनल टेम्परेचर क्या होता है, आपने ये वर्ड सुना होगा कार्डिनल टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि जहाँ ऐसा टेम्परेचर जहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप बेटर हो। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, कार्डिनल टेम्परेचर इंक्लूड करता है, देखिए इसे ही थ्रेशोल्ड टेम्परेचर भी कहा जाता है, थ्रेशोल्ड टेम्परेचर भी कहा जाता है। इसमें मिनिमम टेम्परेचर, कितना मिनिमम टेम्परेचर क्रॉप को चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके, मिनिमम टेम्परेचर मतलब जिससे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके नीचे बायोलॉजिकल एक्टिविटी बंद हो जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई हो। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें जहाँ पे ग्रोथ जिससे ऊपर ग्रोथ रुक जाता है, ग्रोथ सीज हो जाता है या रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, ये हो गए, हमने देखा। अब देखते हैं लो टेम्परेचर के कारण क्रॉप्स में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं लो टेम्परेचर के कारण। ठीक है, लो टेम्परेचर इंजरी देखते हैं। चलिए, लो टेम्परेचर इंजरी, लो टेम्परेचर इंजरी में आता है, देखिए चिलिंग इंजरी, फ्रीजिंग इंजरी, सफोकेशन एंड हीविंग एंड फ्रॉस्ट डैमेज। देखिए चिलिंग इंजरी का मतलब क्या है कि देखिए क्रॉप जो है येलोइंग होने लगता है कब, बिलो 15 डिग्री सेंटीग्रेड में। फ्रीजिंग इंजरी में डिहाइड्रेशन होने लगता है, फ्रीजिंग इंजरी के कारण सेल डिहाइड्रेशन। भाई जो अंदर ये किसमें होता है, पोटैटो में। ठीक है, क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर सेल के अंदर में वाटर जो है वो फ्रीज हो गया, जिसके कारण उन्हें वाटर अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए डिहाइड्रेशन होने लगता है। ठीक, सफोकेशन आप जान रहे हैं, सफोकेशन आइस थिक हो जाता है लीफ में, जिसके कारण आइस थिकनेस पाया जाता है लीफ में, जिसके कारण रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होता है, आइस थिकनेस इन लीफ, जिसके कारण सफोकेशन होता है। ओके, फ्रॉस्ट डैमेज ये भी आप देख रहे हैं। इसके बाद फ्रॉस्ट डैमेज की बात करें तो ये वाइट फ्रॉस्ट है और ब्लैक फ्रॉस्ट दो प्रकार के होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे ये दोनों को। इसके बाद हाई टेम्परेचर इंजरी
इंजरी की बात करें, हाई टेम्परेचर इंजरी, हाई टेम्परेचर इंजरी में आता है देखिए थर्मल डेथ पॉइंट, थर्मल डेथ पॉइंट, डेथ पॉइंट। थर्मल डेथ पॉइंट का मतलब क्या है? थर्मल डेथ पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटी है सारे रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, चाहे वो पॉलन डेवलपमेंट हो, चाहे वो मिनरल न्यूट्रिशन की बात हो। इस ये कब होता है? एबो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एबो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ठीक है। जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है तो पॉलन, पॉलन ग्रेन सेट जो सेटिंग है वो रुक जाता है। ओके, इसके बाद हम एक टर्म देखते हैं थर्मोपेरियोडिज्म, थर्मोपेरियोडिज्म। ये टर्म ही इंडिकेट कर दे रहा क्या है कि थर्मल प्लांट का, प्लांट का टेम्परेचर के स्वरूप क्या इफेक्ट है, ये रेस्पॉन्स, 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 रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड लाइट और टेम्परेचर, इज कॉल्ड थर्मोपेरियोडिज्म। ओके, ये हुआ। इसके बाद देखिए एक टर्म है वर्नालाइजेशन, वर्नालाइजेशन। ये सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। वर्नालाइजेशन का क्या है कि प्लांट नीड, प्लांट नीड अ मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर बिफोर फ्लावरिंग, बिफोर फ्लावरिंग इज कॉल्ड वर्नालाइजेशन, वर्नालाइजेशन। मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जिसे वर्नालाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपने देखा, इसके बाद चलिए एयर टेम्परेचर एंड प्लांट, देखिए कितना हीट और प्लांट डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट है, मतलब कि अफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ हीट, या फिर डायरेक्ट बोला जाए रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन बिटवीन हीट एंड प्लांट डेवलपमेंट, प्लांट डेवलपमेंट, प्लांट डेवलपमेंट। यह किसे दिया, किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे REAUMUR र्यूमूर 1935 में। इन्होंने बताया कि रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड हीट, हीट और प्लांट डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्लांट में क्या इफेक्ट होगा, कम होगा तो क्या होगा, हीट। ओके, र्यूमूर ने दिया। अब देखिए लोवेस्ट टेम्परेचर की बात करें, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, लोवेस्ट टेम्परेचर मतलब कितना, -60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहाँ पाया जाता है? लद्दाख रीजन में, लद्दाख रीजन में पाया जाता है। ओके, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या क्या है, देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पहला आता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के टाइप्स देखते हैं इसमें, चलिए टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। पहला होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव। एग्रीकल्चर के पर्पज से रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनके यूनिट्स पहले देखते हैं, यूनिट्स है ग्राम प्रति मीटर क्यूब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का, और इसका यूनिट है परसेंटेज, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर इन एयर, ये क्या है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो एक प्लेस के कंपेरिजन में दूसरे प्लेस में रिलेटिवली क्या, कितना एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पाया गया, कितने वाटर वेपर पाया गया, इसे क्या कहेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये तो थे रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। इसके बाद हमने बोला कि एग्रीकल्चर के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के पर्पज़ से रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा कब पाया जाता है, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आप जाएंगे देखेंगे पत्तियों में हाइड्राथोर्स के थ्रू वाटर निकले हुए हैं, ऊज आउट, ये सब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो साइक्रोमीटर, देखिए साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, साइक्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोग्राफ की अगर बात करें, हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ तो ये क्या करता है, ये कंटिन्यूस रिकॉर्ड करता है, कंटिन्यूस रिकॉर्ड करता है, कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करता है कि आज कितना था, कल कितना है, परसों कितना है। ओके, ह्यूमिडिटी देखिए 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये है सबसे बेस्ट, 60% अगर एटमॉस्फेरिक में रिलेटिव ह्यूमिडिटी पाया गया तो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बेस्ट होगा, सीड सेट बेस्ट होगा,
सीट सेट बेस्ट होगा, ठीक है। अगर लेकिन अगर हम बात करें कि जैसिड और एसिड की बात, ये इंसेक्ट्स हैं जैसिड एंड एफिड, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हैं तो इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगा, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। इसके बाद चलिए क्लाउड की बात करते हैं। क्लाउड्स क्या होते हैं, देखिए क्लाउड्स क्या है कि कंडेंस्ड फॉर्म में वाटर वेपर का कंडेंस्ड फॉर्म क्लाउड होता है, ठीक है। न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियाई आप सुने होंगे, न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियाई कूल एयर रेडी टू कन्वर्ट इंटू रेन ड्रॉप, ठीक है। तो कंडेंस्ड एयर है, आपने देखा है कि देखिए दो प्रकार से अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते तब वो कंडेंस हो, टेम्परेचर नहीं, फ्रिज में आपने देखा होगा कि कंडेंस हुआ और वाटर के फॉर्म में टपकने लगता है। न्यूक्लियाई कूल एयर गेट इजी टू कन्वर्ट इनटू रेन ड्रॉप्स, ठीक है, ये न्यूक्लियाई। अब क्लाउड कहाँ बनता है, हमने देखा था जितने भी रेनफॉल क्लाउड वगैरह ये ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर में। कुछ क्लाउड्स के बारे में बात करते हैं, हमारी क्लास बहुत सारे हैं क्लाउड्स के, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट क्लाउड्स देखेंगे। देखिए सिर्रस क्या है कि ये हाईएस्ट क्लाउड, ये सबसे ऊपर पाया जाता है हाईएस्ट क्लाउड, और ये सिल्की दिखता है, सिल्की अपीयरेंस होता है, ठीक है, सिल्की अपीयरेंस सिर्रस के बाद क्यूमुलस की बात करें, क्यूमुलस तो ये कॉलीफ्लावर लाइक क्यूमुलस। इसके बाद बात करते हैं क्यूमुलोनिम्बस तो ये थंडर क्लाउड और इसी में रैन जो बरसात होता है इसी के द्वारा होता है, रैन बेरिंग क्लाउड। स्ट्रेटस की बात करें, स्ट्रेटस ये नियरेस्ट टू अर्थ, स्टेटस सबसे नियरेस्ट है, क्यूमुलस में बरसात होता है, क्यूमुलस क्वालिफायर ये सिल्की होता है, ओके। यूनिट की बात करें कि जो ये क्लाउड है उसको मेजरमेंट का यूनिट होता है ऑक्टा, मतलब 0 to 8, ओके ऑक्टा। आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग की बात करें, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि हरियाणा में कई सालों से बरसात नहीं होता, जिसके कारण आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग करा के वहाँ रेनफॉल कराया गया, ठीक है। देखिए क्या है आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग, किसने डिस्कवर किया, तो डिस्कवर किया सेफर ने 1946 में डिस्कवर किया। तो ये दो प्रकार से होते हैं, वार्म क्लाउड सीडिंग एंड कोल्ड क्लाउड सीडिंग, ठीक। वार्म क्लाउड सीडिंग होता है NaCl के द्वारा, NaCl के हेल्प से, एंड कोल्ड क्लाउड सीडिंग सिल्वर आयोडाइड के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि प्रोपेलेंट इजेक्टर का यूज किया जाता है और NaCl या फिर सिल्वर आयोडाइड को क्लाउड्स के ऊपर भी स्प्रे कर दिया जाता है, जिसके कारण क्लाउड मेल्ट होकर रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में धरती में गिरने लगते हैं, ठीक है, रेनफॉल हो जाता है। फिर ये थे, आगे बढ़ते हैं, चलिए ये तो थे आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रेसिपिटेशन। देखिए रेन ड्रॉप पानी बूंदों का गिरना किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ड्रिजल के फॉर्म में हो, रेन के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, ये किस किस फॉर्म में हो सकता है, रेन के फॉर्म में, फॉग के फॉर्म में, मिस्ट के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, ड्यू के फॉर्म में एंड ड्रिजल के फॉर्म में। इन सभी फॉर्मों में अगर वाटर ड्रपलेट नीचे आएंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा, प्रेसिपिटेशन कहा जाएगा। अब रैन, देखिए रैन कब बोलेंगे, एक कंडीशन होता है जब रैन बोला जाएगा। रैन मतलब क्या कि वाटर ड्रॉप अगर इसका साइज ग्रेटर देन 0.5 mm से ज़्यादा हो तभी क्या कहेंगे कि ये रैन है। अगर ड्रिजल की बात करें, ड्रिजल कब कहेंगे, जब इसका साइज लेस देन 0.5 mm, साइज की बात करें रैन ड्रॉप का तो 0.5 mm से अगर छोटा है तो ड्रिजल, अगर मोर देन 0.5 mm है तो वाटर ड्रॉप रैन कहेंगे, ठीक है ना, ओके। अगर यूनिट्स देखिए, रैन का यूनिट है तो अगर आप डेप्थ माप रहे हैं तो डेप्थ का होता है mm और सेंटीमीटर। इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी कि किस इंटेंसिटी से बरसात हो रहा है तो है mm प्रति आवर और सेंटीमीटर प्रति आवर, ओके। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम कितना हुआ तो मिलियन हेक्टेयर
प्रति मीटर, हेक्टेयर, सेंटीमीटर एंड मीटर क्यूब, ये सब हैं यूनिट्स। यूनिट्स के बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए मेजरमेंट, रेनफॉल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। रेनफॉल का मेजरमेंट किया जाता है रेन गॉज से। मेजरमेंट किससे किया जाता है? रेन गॉज। रेन गॉज आप देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप के रेन गॉज होते हैं, सेल्फ मतलब ऑटोमेटिक भी होते हैं और नॉन ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी होता है, मतलब रेन गॉज की बात करें तो ऑर्डिनरी एंड ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ठीक। तो ऑर्डिनरी जो होता है ये नॉन रिकॉर्डिंग होता है, मतलब क्या होता है कि नॉन रिकॉर्डिंग होता है ये, और ये रिकॉर्डिंग होता है ऑटोमेटिक, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी रेन गॉज में साइमन टाइप, जो साइमन टाइप रेन गॉज होता है ये इंडिया में ज़्यादा यूज होता है। साइमन टाइप रेन गॉज इज यूज मेनली इन इंडिया, ओके। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इंडियन, अगर इंडियन रेनफॉल की बात करें, इंडियन रेनफॉल भारत की वर्षा, इसके बारे में बात करें तो ये इरेगुलर है भैया, पूरे साल भर तो नहीं होता और महीनों भी कभी यहाँ कभी वहाँ ये होता है, अनइवन होता है, पूरे इवन नहीं, कहीं ज़्यादा कहीं कम ये है। उसके बाद हाईएस्ट होता है, देखिए 11,000 mm है हाईएस्ट, ये कहाँ होता है? खांसी एंड जयंतिया हिल्स, चेरापूंजी मेघालय, यहाँ होता है हाईएस्ट। अगर लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट कहाँ होता है, देखिए लोवेस्ट 100 mm थार डेजर्ट में, थार राजस्थान में, ठीक है। 80-85% जो बरसात है वो जून टू सितंबर में होता है, 20% बरसात होता है दिसंबर टू जनवरी। एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया की बात करें, एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया है 1190 mm, और टोटल एनुअल रेनफॉल मतलब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की तो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर ये, या फिर 4000 BCM और किलोमीटर क्यूब ये होते हैं। देखिए अगर आपको रेनफॉल का टोटल और भी अच्छे से जानना है तो मेरा और वाटर बजट का एक सीरीज है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, बेसिक एग्रोनॉमी में आपको मिल जाएगा वो। आगे बढ़ते हैं, देखिए जल्दी पढ़ाने का तात्पर्य ये है कि कुछ भी मैटर आपके आपको छूट ना जाए, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करूँ मैं, इसलिए मुझे जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है, आप फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है, आप इसे पॉज करके या फिर स्लो मोशन में देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है, देखिए रैनी डे कब कहेंगे, रैनी डे कि आज बहुत ज़्यादा रैनी हो रहा है, और एक है क्रॉप रैनी डे। देखिए रैनी डे का इम्पोर्टेंस हमारे ज़िंदगी में, आज पानी गिर रहा है हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्रॉप रैनी डे का इम्पोर्टेंस क्रॉप के रिलेशन में, तो रैनी डे अलग है, क्रॉप रैनी डे अलग है। रैनी डे कब कहेंगे, जब अगर 2.5 mm से ज़्यादा रेनफॉल हुआ है तो रैनी डे कहा जाएगा, लेकिन अगर मोर देन 5 mm रेनफॉल है तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्रॉप रेनी डे कहा जाएगा, क्रॉप रेनी डे, ठीक है। चलिए मानसून की बात करते हैं, अब आ गए हम मानसून में। मानसून अरेबिक वर्ड से लिया गया है। इसके बाद चार प्रकार के मानसून इंडिया में पाए जाते हैं, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, विंटर मानसून एंड समर मानसून, ये चार प्रकार के मानसून इंडिया में पाया जाता है। अब देखिए साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो ये 75% कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेनफॉल में, 75% ये जून टू सितंबर, इसका टाइम की बात करें तो जून टू सितंबर है इसका टाइम, और ये केरला एंड मालाबार, वेस्टर्न घाट में बरसात कराते हैं। देखिए क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं कि केरला और वेस्टर्न घाट में किसके द्वारा
रेनफॉल होता है तो वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट मानसून 25% कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड इंडियन रेनफॉल का। नवंबर टू दिसंबर इसका टाइम है, नवंबर टू दिसंबर। और ये तमिलनाडु, देखिए एक यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि तमिलनाडु को किसके द्वारा वाटर रिसीव होता है, तो वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण, ठीक है। इसको रिट्रीटिंग मानसून भी बोला जाता है, रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। विंटर मानसून की बात करें तो विंटर मानसून देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है, ये डिस्टर्बेंस के कारण होता है। और ये पंजाब एंड दिल्ली में आपने सुना होगा दिल्ली में क्यों ठंडी ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ बरसात हो गया भैया, ठंडी के दिनों में ठंडी लगेगा। ये पंजाब और ये भी क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली और पंजाब में किसके द्वारा रेनफॉल होता है, तो विंटर मानसून के कारण। समर मानसून की बात करें तो समर मानसून साइक्लोन्स के द्वारा के कारण वहाँ रेनफॉल होता है, साइक्लोन्स के कारण। और ये साउथ ईस्ट रीजन बोले तो वेस्ट बंगाल उड़ीसा यहाँ इनके कारण होता है समर मानसून के कारण रेनफॉल प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो थे चार प्रकार के मानसून हमने देखा। साउथ वेस्ट मानसून में सबसे ज़्यादा पानी बरसात को इंडियन कंट्रीब्यूट करता है 75%, नॉर्थ ईस्ट मानसून 25%। हमने देखा केरला में साउथ ईस्ट मानसून का, तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून का, दिल्ली पंजाब की बात करें तो विंटर मानसून का, समर की बात करें तो उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए अलनीनो, देखिए जो मानसून क्यों फैल हो जाता है, मतलब कभी कभी क्या होता है डिस्टर्बेंस होता है, रीजन फॉर मानसून फेल्योर, ठीक है। मानसून फेल्योर का रीजन है अलनीनो। ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन में दे दे तो अलनीनो याद रखिएगा, और साउथर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। ओके, तो अलनीनो क्या है, देखिए अलनीनो क्या है, अलनीनो देख लेते हैं थोड़ा सा। अलनीनो का मतलब है कि समुद्र में, देखिए वार्म ओशन के करंट्स के कारण ड्रॉट क्रिएट हो जाता है, सूखा क्रिएट हो जाता है, ड्रॉट वार्म ओशन करंट्स के कारण ही मानसून फेल्योर होता है, ठीक है, मानसून का फेल्योर होता है। आप बस इतना याद रखिएगा अलनीनो एंड साउथ ऑसिलेशन इंडेक्स, जिसे SCI भी कहा जाता है। अब साइक्लोन की बात करते हैं, देखिए साइक्लोन आप सुने होंगे कि आज केरला में साइक्लोन आ गया, उड़ीसा में साइक्लोन आ गया, तबाह करके रख दिया पूरा। ये क्या होता है, लो प्रेशर जोन होता है। देखिए लो प्रेशर जोन का मतलब क्या, ये यूं ये सेंटर में लो प्रेशर होता है और किनारे में हाई प्रेशर होता है एंड लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर होता है। साइक्लोन की बात करें तो ये सबको बर्बाद कर देता है। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, अलग अलग कंट्री में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। देखिए क्या क्या है, हरिकेन आप लैम्बोर्गिनी का एक मॉडल है, हरिकेन इवो, ठीक है। ये यूएसए में हरिकेन बोला जाता है साइक्लोन को ही। टाइफून की बात करें अगर, टाइफून तो एशिया में टाइफून के नाम से जाना जाता है। साइक्लोन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। और बाकुआ, देखिए चाइना लोगों को कुछ नहीं बोल सकते उनको, बाकुआ चाइना में बोला जाता है, ठीक है। ये तो थे साइक्लोन हमने देखा डिफरेंट। हरिकेन भाई लैम्बोर्गिनी ग्रीन कलर, बेस्ट तबाही। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद बाकुआ चाइना, इसके बाद देखिए सेंटर ऑफ साइक्लोन को आई कहा जाता है, ठीक है, सेंटर ऑफ साइक्लोन सॉरी। देखिए स्टॉर्म की बात करें, स्टॉर्म का स्पीड होता है 60 to 120 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अगर डायमीटर देखें, साइक्लोन का डायमीटर होता है 23 किलोमीटर, देख रहे हैं डायमीटर 23 किलोमीटर एरिया को पूरा अफेक्ट कर सकता है। एंटी साइक्लोन की बात करें, ये जस्ट अपोजिट होता है साइक्लोन से, एंटी साइक्लोन का मतलब क्या है, एंटी साइक्लोन ये हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर
जोन, हाई प्रेशर जोन। देखिए अगर साइक्लोन क्या है, लो प्रेशर जोन, एंटी साइक्लोन क्या है, हाई प्रेशर जोन। थंडर स्टोन, थंडर स्टोन देखिए इसको थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे लिख ही लेते हैं जब पढ़ रहे हैं तो, थंडर स्टोन के बारे में। थंडर स्टोन मेनली कब आता है, ये हाई विंड इंटेंसिटी होता है, लाइटनिंग होता है, ये अप्रैल टू मई थंडर स्टोन आता है। और इसे एक यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, ये थंडर अगर इस बीच में हुआ अप्रैल से मई में तो ओले भी गिरेंगे जिसे हेल स्टोन कहा जाता है, हेल स्टोर्म ठीक है, ओले। इसके बाद देखिए इसको काल बैसाखी, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है, काल बैसाखी, काल के ALBAISHAKAHI काल बैसाखी भी कहा जाता है किसे, थंडर स्टोन को। थंडर स्टोन के बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट्स एक बार सारे इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे चार्ट बता देता हूँ मैं क्या क्या है। देखिए टेम्परेचर को नापने के लिए क्या यूज करते हैं, टेम्परेचर को थर्मोग्राफ। यहाँ पे हम इंडिविजुअल नहीं बोल रहे हैं कि एयर टेम्परेचर या फिर क्या टेम्परेचर, तो स्टीवेंसन स्क्रीन ये टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बाद देखिए एटमोस्फेरिक प्रेशर को कौन क्या नापता है, बैरोमीटर या बैरोग्राफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद रैन गॉज। इसके बाद विंड स्पीड एनेमोमीटर विंड डायरेक्शन की बात करें विंड वेन ओके। इसके बाद ब्राइट सनशाइन ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सब चीज़ें, लेकिन फिर से यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ब्राइट सनशाइन रिकॉर्डर। इसके बाद पार फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन की बात करें तो क्वांटम सेंसर ओके। रेडिएशन की बात करें रेडिएशन पायरेनोमीटर रेडिएशन। आगे चलिए हमें बहुत जल्दी पढ़ना है टाइम नहीं हमारे पास। चलिए रेडिएशन के बाद डायरेक्ट सोलर रेडिएशन की बात करें तो पायर हेलियोमीटर। ड्यू देखिए ये आपको नया आप सुनेंगे, डारोसोमीटर। ड्यू वाटर टेबल पीजोमीटर वाटर टेबल। सॉइल मॉइस्चर टेंसियोमीटर इवापोरीमीटर। इसके बाद फील्ड इवापो ट्रांसपीरेशन लाइसीमीटर। ह्यूमिडिटी साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर ये रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट्स देखते हैं। मैं एक चार्ट बनवा देता हूँ आपको यूनिट्स के, आपको एक जगह सभी पैरामीटर्स के, वेदर पैरामीटर्स के यूनिट मिल जाए, ठीक है। यूनिट्स देखते हैं, चलिए क्या है, टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिली बार और mm ऑफ hg और पास्कल। रैन की बात करें, रैन तो mm या सेंटीमीटर।
विंड स्पीड की बात करें, विंड स्पीड किलोमीटर प्रति आवर और नॉट विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन तो डिग्री डिग्री या डायरेक्शन। ब्राइट सनशाइन, ब्राइट सनशाइन की बात करें, ब्राइट सनशाइन तो इसे आवर में। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर एमएम ऑफ एचजी। इवापोरेशन, इवापोरेशन और इवापोट्रांसपिरेशन एमएम में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो परसेंटेज में, एंड क्लाउड की बात करें तो ऑक्टा में, ऑक्टा 0 to 8। ये तो थे यूनिट्स। अब देखते हैं आइसो। देखिए आइसो, आइसो मतलब क्या है? आइसो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब है सिमिलर, सिमिलर या इक्वल। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली, ये 5-6 ही पॉइंट है लेकिन आप याद रखिए। देखिए आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब जो सेम इक्वल टेम्परेचर को, ऐसी लाइन जो इक्वल टेम्परेचर को ज्वाइन करे, ठीक है टेम्परेचर। आइसोबार एटमोस्फेरिक प्रेशर को ज्वाइन करे। आइसोहेट, आइसोहेट की बात करें तो रेनफॉल। आइसोटैक विंड स्पीड, विंड स्पीड। आइसोनेफ क्लाउड कवर, क्लाउड कवर। आइसोबाथ, आइसोबाथ वाटर टेबल, वाटर टेबल। आइसोहेल, आइसोहेल सनशाइन ड्यूरेशन, सनशाइन ड्यूरेशन। ये रहे, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको आप याद कर ही लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए हमारे पास 20 मिनट है, 20 मिनट में कंप्लीट करना है ये चैप्टर। आगे देखते हैं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग, देखिए ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, इसको हम मापेंगे किससे? पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज़्यादा देखिए CO2 का है, फिर है मीथेन का, फिर N2O का, फिर CFC। ये कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम बेसिस पे, ठीक है वॉल्यूम बेसिस पे। इसके बाद देखिए पोटेंशियल, किसके में पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब अगर वो कम भी रहेगा लेकिन उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, दिखता छोटा है लेकिन छोटी मिर्ची बड़ी धमाका वाला है, CFC, फिर N2O, फिर CH4, देन CO2। ओके एटमोस्फेयरिक लाइफ टाइम, मतलब क्या है कि अगर ये गैस एटमोसफेयर में कितने समय तक रह सकता है, ये ईयर में मापेंगे हम, ईयर में मापेंगे। सबसे ज़्यादा है CO2 का, N2O का, CFC का, देन मीथेन का। ओके देखिए अगर CO2 के बारे में हम पढ़ें, थोड़ा थोड़ा हम सब के बारे में कर लेते हैं। देखिए CO2 का मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स देखिए टीलेज करने से, अगर कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ दे टीलेज करने से क्या होगा, CO2 इंक्रीज होगा, ठीक है टीलेज करने से CO2 इंक्रीज होगा। ओके मेन सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनो, ये सब हैं CO2 के सोर्स। इसके बाद मीथेन की बात करते हैं। चलिए मीथेन, मीथेन 25 टाइम मोर CO2 से, देखिए CO2 से 25 टाइम मोर हीट ट्रैप कर सकता है, कौन मीथेन, ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे वेटलैंड है इसका मेन सोर्स, वेटलैंड। इसके बाद राइस का फील्ड हो गया, राइस का फील्ड हो गया। सिंक, देखिए सोर्स है ये सब, और सिंक, सिंक की बात करें कहाँ जाता है ये सब, तो ये सॉइल में, सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मिथेनोजेन आप जान रहे हैं। अब नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, देखिए 298 टाइम्स 298
एट टाइम्स CO2 से हीट ट्रैक करने का कैपेसिटी है इसका ज़्यादा, ठीक है। मतलब हीट ट्रैक कैपेसिटी की अगर बात करें, हीट ट्रैक कैपेसिटी तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, सबसे ज़्यादा N2O का हो गया, फिर मीथेन का हो गया एंड CO2 का हो गया। ये है हीट ट्रैप कैपेसिटी सबसे ज़्यादा। आगे देखते हैं, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो सॉइल, देखिए सॉइल से भी N2O निकलता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है 65% से। 65% N2O कहाँ से मिलते हैं, हमें सॉइल से। आगे बढ़ते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर का बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस में क्या रोल है इंडियन एग्रीकल्चर का, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर का ग्रीन हाउस गैस में क्या रोल है, इंडियन एग्रीकल्चर, देखिए इंडियन एग्रीकल्चर का इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। देखिए 28% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस एग्रीकल्चर से मिलता है, 13.5% फ्रॉम वर्ल्ड एग्रीकल्चर से, ठीक है। 28% इंडियन एग्रीकल्चर में। देखिए मेन सोर्स की बात करें तो मीथेन कहाँ से मिल रहा है, राइस से, जो कि कितना है 23%। चलिए अब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा देखिए क्लाइमेट चेंज के कारण किसके कारण होता है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ वेड़ काट दिए, अब ये सब के कारण। देखिए कौन मॉनिटर करता है इन सब चीज़ों को, मॉनिटर करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं ग्लोबली जो मॉनिटर करता है उसका नाम है IPCC। इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये IPCC क्या है, IPCC UN यूनाइटेड नेशन का बॉडी है, ठीक है। IPCC आगे बढ़ते हैं, देखिए IPCC का हेडक्वार्टर की बात करें तो यह कहाँ है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चेयरमैन की बात करें, IPCC का चेयरमैन है ब्रूसली का भाई, ठीक है, चेयरमैन। इसके बाद देखिए टेरी इंडिया में कौन देखता है, वर्ल्ड में तो IPCC, इंडिया में टेरी, ये आप सुनेंगे। टेरी का मतलब क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं कि CO2 इंक्रीमेंट के कारण क्रॉप में क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। और हम इसे कैसे एसेस कर सकते हैं, कैसे आप मेजर कर सकते हैं कि कितना अफेक्ट पड़ रहा है। चलिए लिखिएगा, देखिए टूल टू एसेस इम्पैक्ट ऑफ CO2 ऑन क्रॉप, क्या कौन से टूल है जिससे हम एसेस कर सकते हैं। पहला देखिएगा आप, फाइटोट्रॉन फैसिलिटी। आपने इंजीनियरिंग में पढ़ ही रखा होगा, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में ये सब हम पढ़ चुके हैं। फाइटोट्रॉन फैसिलिटी एक, एंड फेस का फुल फॉर्म क्या है, देखिए
फ्री एयर कार्बन डाइऑक्साइड इनरिचमेंट, इन सब टूल से हम इम्पैक्ट पता कर सकते हैं CO2 का क्रॉप में क्या है। एंड टूल टू एसेस वेदर ऑन क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड टूल टू एसेस चेंजिंग वेदर के कारण। ठीक है, तो किससे किससे एसेस करते हैं? डसार्ट सीरीज आपने ये पढ़ा होगा, डसार्ट सीरीज, ओराइजा इन्फ्रो क्रॉप को IARI ने डेवलप किया है। इन्फ्रोक्रॉप, इनके द्वारा आप CO2 का इम्पैक्ट देख सकते हैं और क्लाइमेट वेदर चेंज का अफेक्ट इम्पैक्ट देख सकते हैं क्रॉप में। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब थोड़ा सा और, चलिए थोड़ा सा और बाकी हमारा। हम यूज करते रिमोट सेंसिंग GIS एंड GPS का, ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रिमोट सेंसिंग GPS एंड GIS। तो ये क्या क्या है ये देखते हैं। चलिए रिमोट सेंसिंग देखिए, रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है कि आप बिना टच किए, फिजिकली टच किए उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ये दो प्रकार से होते हैं, देखिए पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव मतलब क्या है कि जो एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी सोर्स है सन, और इसमें एनर्जी सोर्स क्या रहेगा, एनर्जी सोर्स इट सेल्फ ये खुद का। ठीक है, अब जब पैसिव की बात करें तो पैसिव का एग्जांपल है IRS सीरीज एंड लैंड सैटेलाइट। ठीक है, एक्टिव की एग्जांपल है रडार एंड SAR। SAR का फुल फॉर्म है सिंथेटिक अपर्चर रडार। ओके, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्रॉप फॉरकास्ट सेंटर, इंडिया में वेदर फॉरकास्ट सेंटर के बारे में बात करते हैं। देखिए तो दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है महालानोबिस नेशनल क्रॉप फॉरकास्ट सेंटर। ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और ह्यूमन वेलफेयर के अंदर आता है। ठीक है, फसल, एक क्वेश्चन आता है फसल, देखिए FASA फसल का फुल फॉर्म होता है फॉरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस एग्रो मेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। ये तो थे फसल के बाद एक आता है नाडाम्स। ये क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, फिर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बैंगलोर, IIRS, यहाँ हम जा चुके हैं IIRS, इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये कहाँ है, देहरादून, इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून। फिर NRSA नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो कि कहाँ है, हैदराबाद में।
क्या है, NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, कहाँ है, हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं, चलिए रिमोट सेंसिंग का एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में आप सुने होंगे, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंस है रिमोट सेंसिंग का। इसके बाद GIS, देखिए GIS क्या है, देखिए GIS ज्योग्राफिकल, ये GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसका कंपोनेंट्स, देखिए कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। GIS के कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा एंड प्यूपल, ठीक है। GPS, देखिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की बात करें, ये तो है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये किसी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को लोकेट करने के लिए GPS के यूज़ करते हैं। तो कितने सैटेलाइट जरूरी है, मिनिमम तीन सैटेलाइट जरूरी है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता करने के लिए, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है GPS, ट्राइलेटरेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। फेमस GPS, अलग अलग देश के अलग अलग GPS हैं जिनका नाम है फेमस GPS। कौन कौन सी कंट्री के हैं, देखिए USA का है, आप सुने होंगे नवासर। रसिया की बात करें तो ग्लोनस रसिया। यूरोप की बात करें, यूरोप तो गैलीलियो, ठीक। इंडिया की बात करें, इंडिया आपने सुना होगा नाविक, इसी को कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है IRSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका नाम है नाविक, ओके। यही बनाया जहाँ में जापान, देखिए जापानी लोगों का है क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। ये तो थे डिफरेंट GPS के सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, चलिए GPS के बाद हम पढ़ने वाले हैं वेदर फोरकास्टिंग कि वेदर फोरकास्ट कहाँ से होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये देखते हैं वेदर फोरकास्टिंग में। देखिए वेदर फोरकास्टिंग सन्नी डे कब बोलेंगे, अगर 90-100% सन साइन है तो उसे सन्नी बोलेंगे। पार्शियली क्लाउडी कब बोलेंगे, जब 50-90% सन साइन है, ठीक है। क्लाउडी बोलेंगे जब बिलो 20% सन साइन है तो क्लाउडी बोला जाएगा उसे। उसके बाद चलिए टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग के टाइप्स क्या क्या हैं, शॉर्ट रेंज मीडियम एंड लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज 1-2 डे, ठीक है, 3-4 डे है मीडियम रेंज, 3-4 डे to 2 weeks एंड मोर देन 4 week को लॉन्ग रेंज, ठीक है। लॉन्ग रेंज का यूज क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न निर्धारित करने के लिए। मीडियम रेंज का यूज है इंजीनियर, यही क्रॉपिंग के लिए, एंड शॉर्ट रेंज के यूज है इंजीनियर एंड फार्मर्स के लिए। देखिए क्या है NCMRF, नेशनल, देखिए सेंटर फॉर मीडियम रेंज फोरकास्टिंग, ये कहाँ है, ये है न्यू दिल्ली। हमने क्या पढ़ा, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज फोरकास्टिंग न्यू दिल्ली में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एक क्वेश्चन में यहाँ सब कंफ्यूज होते हैं, ये क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। 1875 में पुणे में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर अब न्यू दिल्ली है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, अब पहले कहाँ था, पुणे, तो आप कीप इन माइंड, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम ये पहले भी पढ़ चुके, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1950 में ये बना,
1950 में ये बना, ठीक है। इसके बाद चलिए फोटोट्रॉपिज्म के बारे में आप बताता हूँ। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है कि रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट के डायरेक्शन में। ये कहाँ पाया, किस में पाया जाता है, सनफ्लावर में। आपने सुना होगा कि जो सनफ्लावर का हेड होता है, जिसको कैप्सुलम उसके अंदर बोला जाता है, तो सनफ्लावर का हेड, सनफ्लावर का फैमिली होता है एस्टरेसी कंपोजिटी। सनफ्लावर जिस साइड सूरज होता है उधर उसका चेहरा होता है, क्यों, क्योंकि फोटोट्रॉपिज्म के कारण ये रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट लाइट टुवर्ड लाइट, ठीक है। तो आज इसके साथ ही ये क्लास ख़त्म होता है। चलिए, थैंक यू। मुझे जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है, फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना चाहता हूँ, इसलिए इतना फास्ट कर रहे हैं। और इतना भारी है कि हमें कम से कम 100 वीडियो लगेंगे इसे कंप्लीट करने के लिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा स्लो देखिएगा। चलिए, थैंक यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।